देखो कितना मस्त लग रहा भाई सीन, पत्थर डालने के बाद गजब लग रही है ना। तो गाइस जो हमारा मास्टर रूम है उसके लिए हमने ये वाले बॉक्स तैयार किए हैं, आप देखें यहाँ पे इस तरह का बॉक्स है भाई, ये देखो आप मस्त बॉक्स लग रहा है, थोड़ा छिल छिल लग रहा है। तो भाई साहब ये है गिनी फॉल के बेबी चिक, थोड़े से बड़े हो गए, चलो देखते हैं। देखो कितने खूबसूरत कबूतर है, चलो बाहर तुम्हें हमला करती है ये देखो मुझे हमला कर रही है, देखो तुम भी चलो ये अंडों पर बैठो, मार रहा है भाई, हुई बाहर नहीं जाना चाहती भाई, दाना खा ले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, मैं हूं नईम खान, आप देख रहे हैं एनके लवर्स में। गाइस आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, सुबह के बजे हैं भाई 8:30, मैं हूं मिनी जू के अंदर। और भाई साहब आप देखिए हमने हमारे जो परिंदे हैं सारे के सारे बाहर खोल दिए हैं, कबूतर यहां पर दाना चुग रहे हैं, आप देखिए कबूतर को हमने बाहर निकाल दिया है, ये देखो गाइस कबूतर जो है हमारे सारे के सारे भाई बाहर दाना चुग रहे हैं मस्त तरीके से। सबके सबको दाना चुग लेंगे, चलो बाहर चलो। ये दो तो यहाँ पर बैठे हैं भाई, देखो कितने खूबसूरत कबूतर है, चलो बाहर चलो। तुम भी चलो ये अंडों पर बैठो, मार रहा है भाई, हुई बाहर नहीं जाना चाहती भाई, दाना खा ले, मत खा भाई, चलो बाहर चलो, तुम भी बाहर चलो, चलो हाँ आ गया। तो ये हमारी बत्तख है भाई, हमला करती है भाई ये भी। तो भाई हमारे पास ये चार बत्तख है, बहुत जल्दी हमारे पास और ही बत्तखें आ जाएंगी, आज इन्होंने अंडा नहीं दिया, कल तो अंडा नहीं, जिस दिन आई थी उस दिन दो अंडे दिए थे, उससे अगले दिन एक अंडा दिया और आज एक भी अंडा नहीं दिया भाई, ये तो यार गलत बात है, ऐसे मत करो। तो इनको निकाल दिया हमने बाहर, तुम्हें हमला करती है ये देखो मुझे तो हमला कर रही है, देखो हमला करती है भाई, डाल के प्लेट में डाल दे, खाती है क्या, खाएगी, और भर के ला, ये सब खाती है भाई, हाँ ये सब खाती है। तो बत्तखें हमारे दाना चुगना शुरू हो गई भाई, बत्तखें तो मस्त है यार, सब कुछ खाती है। तो भाई हमारे जो तोते उसके लिए हमने डाल दी है दाल, और तोते भाई दाल खा लेंगे मस्त तरीके से, दाल ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते, हमने सब कुछ डाल के देख लिया, उनको कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते भाई, मैंने सब कुछ डाल के देख लिया, कल परसों आम डाला आम नहीं खाया, ठीक है खीरा डाला खीरा नहीं खाया, कुछ भी नहीं खा रहे भाई, ये पता नहीं कैसे तोते हैं यार, कुछ भी नहीं खाते हैं। और भाई मैंने ना इनके लिए दाल डाली तो दाल तो भाई मस्त तरीके से खा लेते हैं, बस ये दाल ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। मेरे आज जो ये मास्टर रूम है गाइस इसका सेटअप होने वाला है, और मेरे तैयार हो चुके हैं बॉक्स जो मैंने आपको परसों दिखाए थे वो सारे के सारे तैयार हो चुके हैं, ठीक है। और ये देखो कैसे परेशान हो रही है बाहर जाने के लिए, इसको मैं निकाल दूंगा भाई यहाँ से, फिर मैं पाँचों को एक साथ डालूंगा, दो मैंने और ले रखी है उसको और इसको, दोनों को जो है वहीं पर डालूंगा मैं, और भाई वो दूसरे वाले तो हमला भी करने लगी है, डरते बहुत है। तो मैं इसीलिए यार गिनी फॉल के बच्चे लेकर आ रहा हूँ ताकि जो है वो पल सके यहाँ पर, फिर भागे ना यहाँ से, ठीक है, क्योंकि बच्चा भागता नहीं है भाई, तो इसलिए मैं जो गिनी फॉल के बच्चे लेकर आ रहा हूँ। तो भाई साहब मैं भूरे भाई के पास आया हूँ, ये है भूरे भाई, वालेकुम सलाम भूरे भाई, क्या हाल है, मस्त मौजा। तो यार गिनी फॉल ले रखी है, मैं परसों आया था, कल मेरा टाइम लगा लेकर जाने का इनका, और गिनी फॉल है ये नहीं पता इसमें मुर्गा मुर्गी दोनों है, अलग अलग है, पक्का दोनों है। ये है वो गिनी फॉल, इसमें अगले वाली मुर्गी है शायद, है ना, कौन सी मुर्गी बताइए, ये मुर्गी है ना, ये मुर्गा पता नहीं चल रहा है इसमें, ये आगे चोंच वाला इसकी आगे है, ये तो नर है, ये पीछे मादी है, ये मादी है, नर के ऊपर से बाल जो है ना ये खड़े खड़े हुए हैं ना, ना ये मूंछ देखो ना, ये आगे को है हाँ, तो और उसके पीछे को, इसके पीछे को तो मादी, मतलब जिसकी
जिसकी ये जो है नीचे लटकी हुई है, जिसकी पीछे को वो तो है नारी नारी और जैसे आगे को वो नर है। सही है यार, हरी घास भी खा लें। कुछ भी घास में तो खाना ही है ये तुम्हें घास भी लाग गिर दूंगा क्या हो यार इन्हें, मैं तो घास गिरता ही नहीं यार, ऐसा तो नहीं है दोनों। अच्छा इनकी आवाज कैसी है, एक अलग अलग है कि दोनों के ये बता। हाँ थोड़ा छिल छिल लग रहा है। तो भाई साहब ये है गिनी फॉल के बेबी चिक, थोड़े से बड़े हो गए। चलो देखते हैं बुरे भाई कैमरा देगा क्या लेकर लेकर तुम आते नहीं खाली बुलट बुलट लेकर आ जाओ। भाई मैं तो ऐसा आदमी उस्ताद जहाँ पे जाता हूँ उसी से इंतजाम कराता हूँ। देखो बढ़िया खुद बार भी कि खाने पीने लगे मस्त लग रहे हैं भाई, खाने लग गए खुद बढ़िया। पानी देगा हाँ तो घास खा रहे हैं, दाना भी डाल रखा तो दाना क्या खा रहे हैं पेड़ है। ये बुरे भाई ऐसी जगह ला के बिठा दे, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे बुरा हाल है भाई, गर्मी इतनी है और ये बच्चे कैसे रह रहे हैं। हम तो खुद अपने मिनी जू में सोचते हैं यार भाई इतनी गर्मी है, लेकिन यहाँ उससे बुरा हाल है। दरअसल क्या है कि जो बर्ड्स होते हैं ना वो गर्मी में रहना उनको आता है कैसे रह सकते हैं, तो फिलहाल इसमें से लेते हैं घर चलते हैं। तो भाई भूरे भाई से मैंने ले लिए हैं गिनी फॉल के बच्चे। भूरे भाई इसमें चले जाएंगे ना आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं भागने के दिन की बार। और रही बात बड़े वाले भाई इसके बाद लेकर जाऊँ, क्योंकि अगर एक साथ दोनों को रख लिए तो ये मार देंगे। और भाई भूरे भाई का जो फार्म है ना वो है केपी फार्म, आप इसके नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है। अभी थोड़ा गर्मी है इसलिए ये भी ज़्यादा सामान नहीं लेकर आ रही हैं, और मैं तो उनके घर से उठा लेता हूँ, इनका बहुत बड़ा फार्म है एक, वहाँ थोड़ा सा दूर है वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ मैं। तो फिलहाल मैंने ले लिया गिनी फॉल के बच्चे, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं केपी फार्म अगर आपको कुछ चाहिए तो। तो गाइस मिनी जू के अंदर आ चुके हैं और भाई मैं ले आया गिनी फॉल के। अरे ठीक है, और इसको फिलहाल रखते हैं हम भाई साहब अपने सामने, मैंने जगह की है, पकड़ आराम से डाल खोल, पकड़ गए एक वहाँ डाल दो कूड़े में, तुम डाल डाल सारे बढ़िया वाले हैं भाई, कलर तो मस्त लगा, मैं छाट छाट के मेरे भाई भूरा भाई लेकर आ चुका है गिनी फाउल। इस अंदर कर दे भाई, हमला कर रहा है यार हमारा, चल चल चल। हमने यार चारों एक जगह तो कर दिया, पता नहीं दूसरे वाला जो हमारे पहले वाला इसको मारेगा छोड़ेगा क्या करेगा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये मारते बहुत एक दूसरे को। तो चलो फिलहाल तो ये बैठ गए, वो भूरे भाई देखो कैसे बैठे अंदर। और भाई ये हमारा ये भाई साहब हमारे गिनी पिग एकदम बाहर एकदम अंदर चले जाते हैं भाई, जब भी कोई आता है एकदम अंदर घुस जाते हैं। इनको क्या दिखाऊं आपको मैं, एक बात तो है खरगोशों की भाई, जब भी इनके पास कोई आता है ना ये चले आते हैं पास में, क्योंकि ये खरगोश भी भाई प्यार करते हैं इंसान से। और भाई आइल कोई खरगोश दोस्त बनाया अपना, ये वाला कौन सा दोस्त है यार, तो भाई यहाँ पर जो ये वाला, तो ये रोटी मैंने डाल दी थी सुबह, रोटी यार ये खुश होकर खा जाते हैं, लेकिन आज छके हुए हैं शायद, क्योंकि रात मैंने घास डाल दी थी यहाँ पे, तो घास खाकर छके हुए भाई मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। इनको जब भूख लगती है तभी खाते हैं भाई, ये ऐसे नहीं खाते हैं, भूख लगने के बाद ही खाते हैं। देखो सारे के सारे भाई अपना उधर चले गए, सब भाग जाएंगे उधर, पंखा चला देता हूँ गर्मी लग रही होगी इनको। तो भाई आयल दे रहा है पानी। और भाई साहब आज ना हम अपने फाउंटेन की सफाई करके कंप्लीट, आज हम इसके अंदर पत्थरे डाल देंगे, आज हम इसकी पूरे की सफाई करेंगे, इसके अंदर पत्थरे डाल देंगे और फिर आपको दिखाएंगे गाइस। तो भाई साहब फाउंटेन की चल रही है सफाई, और अभी फाउंटेन के अंदर डालने वाले हम ये वाली पत्थरी, और फिर उसके बाद जो है मछलियाँ डालेंगे हम अपने फाउंटेन के अंदर लाकर। आयल को बड़ा मजा है पानी में भाई। तो भाई साहब हम डालने जा रहे हैं ये वाली पत्थरी, आयल बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, चलो shoot me there.
कितना मस्त लग रहा है भाई सीन। पत्थरी डालने के बाद गजब लग रही है ना। तो गाइस हमारा जो फाउंटेन के अंदर पानी भरने ही वाला है, आप देखिए यहाँ पर सारा नया पानी है। और भाई देखो कितनी मस्त लग रही है पथरी अंदर, जो पथरी हमने यहाँ पर रखी है सारी मस्त लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, खूबसूरत। और पानी बस इसके अंदर भरने ही वाला है। और भाई हमारे फाउंटेन के अंदर मोटर तो अभी तक नहीं लगी यार, मिस्त्री बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं भाई, आते ही नहीं है, क्या करें। तो इसके अंदर मछलियाँ छोड़ देंगे हम, ला के मोटर बाद में लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मेरे पास शहजाद भाई की कॉल आई थी, उन्होंने बोला था कि भाई आपके बॉक्स तैयार हो गई हैं और बॉक्स रहेंगे, बन गए बॉक्स हमारे साथ, ये देखो। तो भाई जो हमारा मास्टर रूम है उसके लिए हमने ये वाले बॉक्स तैयार किए हैं, आप देखें यहाँ पे इस तरह का बॉक्स है भाई, ये देखो आप, मस्त बॉक्स लग रहा है। तो भाई ये देखो यार, ये कुछ ऐसा बना है। अब आप हमें ये बताओ उसके अंदर कलर करें या ना करें। ये है भाई साहब 10 बॉक्स जो कल लगेंगे हमारे मास्टर रूम के अंदर। इसके अंदर आराम से चिड़िया, तोते, जो भी खुले परिंदे होंगे आराम से बैठ सकेंगे। तो ये लगवाएंगे भाई हम कल, आज तो टाइम नहीं है भाई, शाम का वक्त हो चुका है, तो कल लगाएंगे आराम से इनको, फिर देखना आप।